Good morning everyone, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start with a new unit, children, that is food, water and shelter. Ka new chapter number 10, our food. So all of you take out your book and open page number 58. Now, food, the food we eat. है ना, पूरा दिन भर में हम काफी कुछ खाते हैं. इफ वी काउंट फॉर द मील्स ऑफ द डे, द फिक्स इंटरवल्स जब हम खाना खाते हैं, लाइक योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, दैट इज योर सपर, और योर स्नैक टाइम हो गया, और उसके बीच में भी इफ यू क्रेव फॉर समथिंग, कुछ क्रेविंग्स होती हैं तो हम बाहर से कुछ स्नैक्स या फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं. तो फूड इज लाइफ फॉर पीपल, है ना. देयर आर सम पीपल हु से वी लिव फॉर फूड, लाइक. So this way we eat variety of food. We see in our lunch time or school mein, recess time mein, when we share food with our friends, we see sab different tarah ka lunch leke aate hai na. We share with them ki aap aaj aapka friend kaun si sabji laya hai, dusra friend kya leke aaya hai. To khane mein sab alag alag tarike ka khana leke aate hain. In fact din bhar mein alag alag meals mein bhi hum alag alag tarah ka khana khana pasand karte hain. Rather डे टू डे में भी, जैसे आज हमने कोई स्पेसिफिक वेजिटेबल खाया, नेक्स्ट डे हम कुछ और खाते हैं, है ना, उससे नेक्स्ट डे कुछ और खाते हैं. सो देयर आर वेराइटी ऑफ थिंग्स इन द मार्केट. वी ईट डिफरेंट ऑन डेली बेसिस. इनफैक्ट ऐसा भी होता है, आज हमें कुछ समझ नहीं आया तो हमारे आज नेबर में क्या बना है, वी सी, वी गेस, वी कुक दैट थिंग, और वी शेयर आर फूड विद आर नेबर्स ऑल्सो. सो दिस वे वी सी देयर आर सरप्लस वेराइटी, है ना. देन If we have to throw some party, है ना, तो हम अच्छा अच्छा food order करते हैं घर में, या फिर बाहर किसी location पे हम जाते हैं अगर अपनी party करने, तो वहाँ पे हम menu decide करते हैं कि हम क्या खाना पसंद करेंगे. सब लोगों का अपना personal choice होता है, जो कि वो खा के उन्हें क्या मिलता है, satisfaction, है ना, उनकी craving satisfied होती है. Now, in this chapter today, what we will learn? That the sources of food, food के क्या क्या sources हैं, हमें food कहाँ से मिलता है, टाइप्स ऑफ फूड, कितने तरह का फूड है, हमारी इंडिया इतना डाइवर्स लैंड है तो इंडिया में कितनी वैरायटी है फूड की, एंड इंडियन स्पाइसेस. सो इंडियन फूड की क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है, स्पाइसेस, उसके मसाले जो कि उसे बनाते हैं मज़ेदार और लजीज. वी सी वैरायटी ऑफ क्यूजीन इन इंडिया, है ना, नॉर्थ इंडियन हो गया, साउथ इंडियन क्यूजीन हो गया, मेडिटेरियन, कॉन्टिनेंटल, इतनी वैरायटी का क्यूजीन है इंडिया में. Then we see ghee and oil. So all this we are going to learn in this chapter today, students. So let's just start with the chapter. We all need food to stay alive. हमें जिंदा रहने के लिए food चाहिए. Food give us energy and strength. Food हमें देता है energy, हमें strength देता है. Different types of food are eaten in different parts of the world. इस दुनिया में अलग अलग country में, अलग अलग city में, अलग अलग district, state और area में अलग अलग तरह का फूड बनाया जाता है, क्योंकि इतने सारे कल्चर, इतने सारे रिलीजन हैं, सबका अपना बनाने का स्टाइल है. सो बड़ी ही वैरायटी का फूड होता है. यू मस्ट हैव सीन चिल्ड्रन, लाइक अगर आपका फेवरेट है भिंडी, है ना, लेडी फिंगर आप खाना पसंद करते हैं, तो आपके किसी फ्रेंड ने जो कि सेम वेजिटेबल लेके आए, लेकिन उसका टेस्ट अलग होता है, इज इट सो? सो वी सी सेम वेजिटेबल इज कुक्ड इन वेराइटी ऑफ स्टाइल. आइदर यू यूज अनियन और यू यूज टू मच ऑफ स्पाइसी और लेस स्पाइसी, इज इट? वी गो टू सम रेस्टोरेंट, दे ऑल्सो यूज टू आस्क, सर वॉट टाइप ऑफ फूड यू लाइक टू हैव, लेस स्पाइसी और टू मच स्पाइसी, इज इट? वी ईट चाइनीज फूड ऑल्सो, विच इज फेवरेट फॉर योर ऑल. नाउ we see different types of food are eaten in different parts of the world. The kind of food we eat depend upon the place where we live in, jahan hum rehte hain, in the kind of plants and animals found nearby, ki aas pass kaun se plants aur animals paaye jaate hain, the climate of the place, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. जैसे हम किसी हिल स्टेशंस पे जाते हैं तो वहाँ वैसे ही खाना मिलता है, साउथ में जाते हैं तो वहाँ वैसे ही खाना मिलता है, डेजर्ट एरिया में वैसा खाना मिलता है, प्लेन एरिया में वैसा खाना मिलता है. सो Now we see sources of food. कि जो भी हम खाना खाते हैं, food is life, is it? People are foodie, go to different places, try new type of dishes, है ना, vlogs बनाते हैं अपने. So now we talk about sources of food. ये खाना आता कहाँ से है? All the different kinds of food that we eat comes either from plants or animals. या तो plants से मिलता है या हमें एनिमल से मिलता है. वी हैव डन इन आर लास्ट क्लासेस ऑल्सो. नाउ यू लुक एट द पिक्चर, देर आर सो मेनी वेराइटी ऑफ जूसी फ्रूट्स, यू कैन सी, सो मच माउथ वाटरिंग, है ना. सो दिस इज द फूड फ्रॉम प्लांट. वी सी
fruits we get from plants, the juicy fruits. Most of our food items like fruits, vegetables, cereals, pulses, nuts, ये सारा हमें मिलता है प्लांट से. प्लांट्स ऑल्सो गिव्स अस स्पाइसेस. अब जो हम खाने में डालते हैं इतने तरह के मसाले स्पाइसेस, ये सब भी प्लांट से आते हैं. हर्ब्स हो गई जो हम गार्निशिंग करते हैं ऊपर, कोरिएंडर हो गया या मिंट चटनी बनाते हैं, ये सब भी हमें मिलता है प्लांट से, जो कि फूड को फ्लेवर करता है. वी ईट सर्टेन टाइप ऑफ फ्लावर्स ऑल्सो. नाउ वी नो प्लांट्स के बड़े सारे पार्ट्स हैं, फ्लावर, लीव, स्टेम, रूट. तो हम इन सारे ही पार्ट्स को किसी ना किसी तरीके से कंज्यूम करते हैं. अलग अलग तरह की वेजिटेबल होती है जो एज अ स्टेम, एज अ रूट, एज अ लीफ, एज अ फ्लावर ग्रो करती है. वन ऑफ द एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव ईटन कॉलीफ्लावर, दैट इज द गोभी, है ना. पत्ता गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, ये सारी वेजिटेबल्स किसी एक प्लांट का फ्लावर वाला पार्ट है जो हम खाते हैं. नाउ वी ईट लीव्स ऑल्सो, हम प्लांट्स की लीव्स भी खाते हैं. येस, कॉरिएंडर जो मैंने अभी आपको बताया, मिंट हो गया, और स्पिनेक हो गया, आपकी पालक हो गई. सो दिस वे लेटूस हो गया, फेनोग्रीक, मेथी हो गई, एज अ वेजिटेबल वी यूज टू ईट आलू मेथी एंड ऑल. तो ये सब प्लांट की लीव्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, जो कि एडिबल है, खाने लायक हैं. वी ईट स्टेम्स ऑफ मैनी प्लांट्स एज वेजिटेबल्स. अब हम स्टेम भी खाते हैं प्लांट की. स्टेम कैसे, लाइक अनियन, प्याज. वी नो प्याज तो हर सब्जी में डलता है, एज अ सैलड भी कंज्यूम होता है. पोटैटो, पोटैटो इज द किंग ऑफ वेजिटेबल, हर सब्जी में यूज होता है. जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया. तो ये सारे क्या हैं प्लांट्स के, स्टेम हैं जो हम कंज्यूम करते हैं. सो हेयर वी सॉ, हम फ्लावर्स खाते हैं, हम लीव्स खाते हैं, हम स्टेम्स खाते हैं. नाउ कम्स द रूट, दैट इज बिलो द सॉयल. सो वी ईट रूट्स ऑफ रेडिश, कैरेट एंड टर्निप, गाजर, मूली और शलजम. हम अब इन सब की भी रूट्स खाते हैं. सो वी सी प्लांट्स के बड़े सारे पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स को हम खाते हैं. नाउ वी नो प्लांट है, ट्री है, फ्लावर भी है, फ्लावर आगे जाके फ्रूट बन जाता है. सो वी ईट फ्रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स, समटाइम्स वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हम वेजिटेबल की तरह भी कंज्यूम करते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द सीड्स, लाइक वी नो जो भी हमारा वेजिटेबल है, फ्रूट है, उसके बीच में सीड्स होते हैं. वी ईट सीड्स ऑफ मैनी पॉड बियरिंग प्लांट्स. पॉड बियरिंग प्लांट्स, अब ये क्या होते हैं, जैसे कि हो गया आपका मटर, बीन्स, जैसे हम मटर छीलते हैं उसका छिलका उतार के अंदर, यू सी ना छोटी छोटी बॉल्स, टाइनी. तो दे आर पॉड बियरिंग प्लांट्स, जैसे दालें हो गई. तो इन सब, ये सब क्या है, हम सीड कंज्यूम करते हैं. वी इवन कंज्यूम द सीड. नाउ वी ईट द ग्रेन्स ऑफ फूड, ग्रेन्स में कैसे, ग्रासी प्लांट्स हो गए, जैसे कि चावल, गेहूं, राइस, वीट, कॉर्न, मक्का, मेज, दैट इज योर छल्ली यू ईट, ज्वार, बाजरा. तो ये सारे के सारे ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स, जैसे हम अलग कैटेगरी सीरियल्स में डालते हैं. सो वी गेट स्टूडेंट्स अल्टीमेटली सारा कुछ, मीन्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम प्लांट्स इटसेल्फ. कैन यू थिंक अबाउट योर थ्री मील्स ऑफ द डे, कि मॉर्निंग में आपने क्या खाया, क्या खाया, आलू पराठा खाया, उसमें क्या क्या यूज़ हुआ, आलू यूज़ हुई, वीट यूज़ हुई, दैट कम्स फ्रॉम प्लांट. दिन में आपने कोई वेजिटेबल खाई, लेट्स वी वर टॉकिंग अबाउट लेडी फिंगर एंड चपाती, तो वो भी हमें कहाँ से मिला, प्लांट से ही हमें मिला, वीट मिला, लेडी फिंगर वाला हमें वेजिटेबल मिला. रात को हमने दाल खाई या राइस खाए, दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम प्लांट्स इटसेल्फ. सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, सो अल्टीमेटली वॉट एवर वी कंज्यूम कम्स फ्रॉम प्लांट्स इटसेल्फ. कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ वी ईट शुगर, टी, कॉफी फ्रॉम प्लांट्स. हमें और क्या मिलता है, वी गेट ऑल दीज थ्री थिंग्स. हम बेवरेज पीना पसंद करते हैं, इवन इफ इट इज समर्स और विंटर्स. समर है तो कोल्ड बेवरेज और विंटर्स है तो हॉट बेवरेजेस, जैसे हॉट टी हो गई, हॉट कॉफी हो गई, या फिर गर्मियों में कोल्ड कॉफ़ी हो गई या आइस टी हो गई. तो ये सब हम कंज्यूम करते हैं. तो टी और कॉफ़ी आता कहाँ से है, शुगर, शुगर केन से, और टी और कॉफ़ी प्लांट्स इटसेल्फ. सो दीज ऑल्सो कम्स फ्रॉम प्लांट्स. वाओ, नाउ वी टॉक अबाउट अनदर, फूड कम्स फ्रॉम एनिमल्स ऑल्सो. वी सी पीपल कंज्यूमिंग मटन, चिकन, फिश एंड ऑल दीज थिंग्स, दे गेट फ्रॉम एनिमल्स. नाउ एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस with certain food items. Think about, you consume milk also in the morning, either in the night, या आपके milk shake हो गए, banana shake हो गए, जिसमें milk use हो रहा है. तो ये milk आता कहाँ से है, milk आता है cow से, goat से, buffalo से. ये सब क्या है,
एनिमल्स, इसका मतलब हम एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं फूड के लिए. ऑफ कोर्स नाउ एनिमल्स लाइक काउ, बफलो, गोट्स गिव अस मिल्क. मिल्क इज यूज टू मेक डिफरेंट आइटम्स. अब हमें पता है मिल्क से और क्या क्या बनेगा. मिल्क के ऊपर मलाई आ जाती है ना, उससे हम क्रीम, बटर बना सकते हैं, फर्दर उससे घी बना सकते हैं, और दही बना सकते हैं दूध से, और पनीर बना सकते हैं, चीज़ हो गया. इनफैक्ट द आइसक्रीम यू ईट वो भी दूध से ही बनती है ना. घी एंड ऑल दीज, जितने भी सारी चीज़ें हमने दूध से बनाई फर्दर, दे ऑल आर मिल्क प्रोडक्ट्स. ओके नाउ वी टॉक नेक्स्ट संडेज. हम क्या खाते हैं? ऑमलेट्स खाते हैं. ऑमलेट मीन्स एग, एग से बनता है. और एग कहाँ से मिलता है? ग्रॉसर से. ग्रॉसर कहाँ से लाता है? फार्म से, डेयरी फार्म से. डेयरी फार्म में कौन से एनिमल्स होते हैं? फार्म एनिमल्स, आपकी डक हो गई, हैन हो गई, तो इन सब से हमें मिलता है एग्स. दैट इज, हम एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे हैं फूड के लिए समटाइम्स. सो एनिमल्स ऑल्सो गिव अस मीट एंड एग्स. वी गेट एग्स मेनली फ्रॉम हैंस, डक एंड गीज. वी ऑल्सो ईट फिश ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स. अब हम फिश भी खाते हैं. बंगाल साइड में, साउथ इंडिया में ज़्यादातर फिश एंड राइस चलता है, फिश फ्रिटर्स चलते हैं. तो ये सारा फूड कहाँ से आता है? सी फूड, मेडिटेरियन फूड. सो सी से, कोस्टल लैंड से. सो वहाँ पे भी हम एनिमल पे ही डिपेंड है, चाहे वो वाटर एनिमल हुआ. नाउ वी सी द टाइप ऑफ फिश वी कंज्यूम. नाउ दैट इज रोहू, पॉम्फ्रेट, सैडिनेस, मैक्रल, सैलमन, ट्राउट, प्रॉन, श्रिम्स, ये सारे तरह के फिश जो हम कंज्यूम करते हैं. वी ईट सी फूड, और भी अलग तरीके का सी फूड जो हम खाते हैं. कौन कौन सा हो गया? आपके क्रैब हो गए, लॉबस्टर हो गए, ऑयस्टर हो गए, एंड मैनी अदर टाइप ऑफ सी फूड पीपल यूज टू कंज्यूम. नाउ पीपल जो कि सिर्फ प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, वो हो गए वेजिटेरियन. उस कैटेगरी ऑफ पीपल को हमने बोल दिया वेजिटेरियंस. लाइक समबडी आस्क अस कि व्हाट टाइप ऑफ फूड यू लाइक टू ईट, आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, वी से वी आर वेजिटेरियन. पीपल हु ईट मीट, फिश, एग, दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन. सो दीज आर द ब्रॉडली टू क्लासिफिकेशन ऑफ द पीपल व्हाट टाइप ऑफ फूड दे लाइक टू कंज्यूम. नाउ विल स्टडी टाइप्स ऑफ फूड. फूड आर इम्पॉर्टेंट टू अस फॉर मैनी रीजन. फूड इज इम्पॉर्टेंट, वी नो. दे गिव अस एनर्जी, हमारी बॉडी बिल्ड करते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं. अब हम फूड को कैटेगराइज करेंगे अलग अलग कैटेगरीज में एंड व्हाट वी गेट फ्रॉम देम. लेट अस स्टडी ऑल दिस कैटेगरीज. सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी गिविंग फूड. नाम से ही हमें पता चल रहा है, एज द नेम सजेस्ट, द फूड विच गिव्स अस एनर्जी, सो मच ऑफ एनर्जी टू डू द वर्क. सच टाइप ऑफ फूड लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर, सीरियल्स, ब्रेड, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. क्या होता है चिल्ड्रन? कार्बोहाइड्रेट. सो इससे हमारी बॉडी को मिलती है एनर्जी और ऐसे फूड को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड. नाउ वी सी द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे बिल्ड होती है हमारी बॉडी. नाउ फूड लाइक एग, मिल्क, सोयाबीन, पल्सेस, फिश, चीज, पनीर, दे ऑल गिव अस प्रोटीन. क्या देते हैं? प्रोटीन. इससे बिल्ड होती है हमारी बॉडी, है ना. दे हेल्प द बॉडी टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प टू रिपेयर इवन द इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडीज. सो दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. ओके स्टूडेंट, सो वी हैव डन टू कैटेगरीज, एनर्जी गिविंग एंड बॉडी बिल्डिंग. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. हियर वी सी प्रोटेक्टिव फूड्स. वो फूड जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं किससे? बीमारियों से. हमारे एनवायरनमेंट में बड़ी सारी बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शन होते हैं, जर्म्स होते हैं. सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्रॉम ऑल दीज इन्फेक्शियस जर्म्स, हम कैसा खाना खाना पसंद करेंगे? वो फूड जो हमें प्रोटेक्ट करेगा. मॉर्निंग में हम मिल्क पीते हैं, नट्स खाते हैं. सो ये सारा फूड प्रोटेक्टिव फूड है. सर्टेन फूड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क एंड नट्स, इसके अंदर होता है काफ़ी सारा मिनरल्स और विटामिन्स, जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में और डिसीजेस से बचाने में हमारी करता है मदद. नाउ दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स. वी मस्ट ईट ऑल दीज फूड इन एडिक्वेट अमाउंट, प्रॉपर अमाउंट में हमें ज़रूर खाना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा. प्लेंटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल. हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए, हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो वाटर इज ऑल्सो मस्ट. वी हैव टू ड्रिंक plenty of water to digest the food, जो भी हम खाना खाते हैं. A diet that contains all the nutrients. Now nutrients कौन कौन से?
एनर्जी गिविंग फूड में क्या था न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, देन बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या था प्रोटीन्स, और प्रोटेक्टिव फूड में क्या था आपका मिनरल्स और विटामिन्स। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जिस भी आप डाइट में कंज्यूम करते हैं उस प्रॉपर डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट, दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प अस टू ग्रो वर्क एंड स्टे हेल्दी। ये हो गई आपकी बैलेंस्ड डाइट। नाउ वी सी फूड्स इन इंडिया। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, है ना। देयर आर सो मेनी स्टेट्स, सो मेनी डाइवर्सिटी, टू मच ऑफ डाइवर्सिटी, सो मेनी टाइप ऑफ पीपल आर देयर, different religions, people living in different parts of the India eat different type of food. The food eaten in different region depend कि वहाँ पे कैसा crop grow करता है वैसा ही food वो खाने लगते हैं। It also depends upon the climate of the place, वहाँ कैसा climate है, अगर गर्म है तो वो ठंडी चीज़ें खाते हैं, ठंडा है तो गर्म चीज़ें खाते हैं। So this way we see सबसे पहले North India में। Let's move to North India. Now food of northern states. People mainly eat wheat products in north state of India. Northern state में कैसे product खाते हैं, गेहूँ से बने हुए। They also like to eat rice, चावल भी खाना पसंद करते हैं, maize, millet. Their diet contains चपाती, हमारी north Indian diet में ज़्यादातर चपाती, रोटी, पूड़ीज हो गई, पराठाज हो गया, है ना, जो कि गेहूँ के आटे से बनाया जाता है, और हम अपनी diet में vegetables, दाल, ये सब भी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। पीपल ऑल्सो यूज़ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही हो गया और मक्खन हो गया, पनीर हो गया, छाछ हो गई, तो इस तरह की चीज़ें भी हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं। नाउ वी सी कोरिएंडर की चटनी, धनिए की, पुदीने की, पापड़ हो गया, अचार हो गया, स्पाइसी खाने को बनाने के लिए, दे ऑल आर सर्व्ड अलॉन्ग विद योर मील्स। ये हो गया आपका नॉर्थ इंडियन फूड। नाउ वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज ऑल्सो। सो डिफरेंट स्वीट डिशेज आर ऑल्सो ईटन। एज अ स्वीट डिश हम कोई डिजर्ट लेना पसंद करते हैं, जैसे कि जो कि दूध या दूध के प्रोडक्ट से ही बनी होती है, जैसे आपकी क्या हो गई, गुलाब जामुन हो गए, खीर हो गई, खीर तो बहुत ही पॉपुलर डिश है, जलेबी हो गई, और ये हो गया आपका समोसा, मटर पनीर। तो ये सारा हो गया हमारा नॉर्थ इंडियन फूड, जिसे देख के आता है मुँह में पानी, माउथ वाटरिंग डिशेज। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज द फूड फ्रॉम द सदर्न स्टेट्स। साउथ ऑफ इंडिया में हम क्या खाते हैं, देखो, राइस इज द स्टेपल फूड, वहाँ पे राइस आपका मेन है, हर जगह आपको दिखेगा। नॉर्थ में वीट है तो साउथ में राइस है। सो पीपल ईट डिशेज सच एज इडली, डोसा, सांबर, अप्पम, स्ट्यू, रसम, उत्पम, ये सारी डिशेज चावल की ही बनती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डिशेज इन साउथ इंडिया आर प्रिपेयर्ड इन कोकोनट ऑयल। अब वहाँ पे कोकोनट बहुत उगता है, नारियल का पेड़, तो नारियल के पेड़ से हमें क्या मिलता है, नारियल, उससे तेल निकलता है। सो जो कोकोनट ऑयल है उसी में बनाई जाती है सारी सब्जियाँ, कोकोनट की चटनी भी बड़ी फेमस है। अप्पम इज अ पॉपुलर डिश ऑफ केरला, इट इज ईटन विद अ थिक स्ट्यू। नाउ टुडे वी कैन फाइंड साउथ इंडियन डिशेज इज ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री वी सी। ऐसा नहीं है कि अगर हमें साउथ इंडियन फूड खाना है तो हमें साउथ इंडिया जाना पड़ेगा, नो, हमारे आसपास साउथ इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं, हम वहाँ पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं, है ना, अपना फेवरेट साउथ इंडियन फूड। इनफैक्ट पीपल टुडे प्रेफर डिलीवरिंग फूड्स, है ना, ऑर्डरिंग फूड्स ऑनलाइन एंड गेटिंग देम डिलीवर टू देयर डोर स्टेप, इज इट सो? सो लाइक जोमैटो, स्विगी से हम अपना फेवरेट साउथ इंडियन हो गया, इनफैक्ट किसी को चाइनीज पसंद है तो वो चाइना तो नहीं जाएगा, अपने ही घर पे बैठे ही कैन ऑर्डर फ्रॉम सम चाइनीज रेस्टोरेंट। सो दिस वे वी कैन ऑर्डर आवर फेवरेट फूड, एनी क्यूजीन वी कैन ऑर्डर फ्रॉम आवर कंफर्ट ऑफ आवर होम जस्ट इन अ क्लिक। नाउ यू सी दिस इंडियन साउथ इंडियन डिशेज लाइक इडली, डोसा, सांबर, अप्पम, मैसूर पाक और पयासम। सो दीज ऑल आर द डिशेज यू मस्ट आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग, है ना, इसमें से आपने बहुत सारे डिशेज खाई भी होंगी। सो हैदराबादी बिरयानी फेमस डिश है आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की। इट इज मेड ऑफ राइस एंड स्पाइसेस, और ऊपर से उसमें गार्निशिंग करते हैं, उसे सजाते हैं ड्राई फ्रूट से, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। पॉपुलर स्वीट डिशेज दैट आई हैव टोल्ड यू दिस, दे आर वेरी सीम्स वेरी माउथ वाटरिंग एंड टेस्टी। तो ये साउथ इंडियन की पॉपुलर स्वीट डिजर्ट्स हैं विच आर वेरी मच प्रेफरेबल। नाउ वी सी इन द ईस्टर्न पार्ट, अब हम जाते हैं इंडिया के ईस्ट साइड में। राइस इज द मेन क्रॉप, वहां पर भी जो मेन क्रॉप है क्या है, राइस है। दैट इज द रीजन दैट राइस इज द स्टेपल फूड इन द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, वहां का राइस जो है स्टेपल फूड है। ईस्ट ऑफ इंडिया में आती है कैसी कैसी स्टेट, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम,
पीपल लाइक टू ईट फिश इन दिस स्टेट. इस स्टेट में कोस्टल रीजन है तो लोग फिश खाना भी पसंद करते हैं क्योंकि इस एरिया के आसपास समुद्र है, वाटर बॉडीज है, फिशिंग वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन भी है उस कंट्रीज का. मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न डिशेज आर प्रिपेयर्ड इन मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में वो बनाते हैं. द फूड इज इधर डीप फ्राइड, या तो खाने को काफी तल के बनाया जाता है, फ्राइड फूड होता है या स्टीम फूड होता है. कुछ पॉपुलर फूड आइटम्स यू कैन सी हेयर, मच्छर झोल, सुक्ता, दलमा संतुलू और दम आलू. पीपल ऑल्सो लाइक स्वीट डिशेज लाइक रसगुल्ला, संदेश, मिस्टी डोई, है ना, मूरी लारू. तो ये सारी डिशेज वहाँ की काफी ज्यादा फेमस है. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, फूड ऑफ वेस्टर्न स्टेट्स. नाउ कमिंग टू वेस्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी काफी ज्यादा फेमस फूड है. क्लाइमेट ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया काफी ज्यादा ड्राई, काफी ज्यादा हॉट है. सो इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया पीपल इंजॉय ऑल टाइप ऑफ फूड, तो लोग हर तरह का खाना पसंद करते हैं. वहाँ पे गुजराती लोग हैं, वेजिटेरियन फूड जैसे कि राइस, चपाती, ढोकला, है ना, ढोकला, स्वीट्स, ये सब खाना पसंद करते हैं. खांडवी हो गई, यू हैव सीन, आजकल तो बीकानेर रेस्टोरेंट्स पे भी मिल जाती है इजीली अवेलेबल. तो कुछ फेमस डिशेज हैं वो हर जगह अवेलेबल होती है आपकी सिटी में भी. भेलपुरी, थेपला, घेवर, सो ऑल दिस डिशेज यू कैन सी. भेलपुरी काफी ज्यादा पॉपुलर है महाराष्ट्र में. नाउ दाल बाटी एंड चूरमा काफी ज्यादा पॉपुलर डिशेज है. कहाँ की? राजस्थान की. शीरखंड पॉपुलर डिशेज इन वेस्टर्न इंडिया मेड ऑफ स्वीट कर्ड. पीपल ऑफ गोवा लाइक टू ईट सी फूड जैसे कि फिश और प्रॉन, क्योंकि वो समुद्री इलाकों में रहते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट भी ऐसा है और अवेलेबिलिटी भी वैसी ही है, तो वो फिश और प्रॉन काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, झींगा मछली. इंडियन स्टेट्स ऑफ सी कोस्ट हैव सी फूड लाइक प्रॉन, क्रैब, फिश एक्सेट्रा एज देयर मेन फूड. मैनी फॉरन डिशेज लाइक चाउमिन, पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, सैंडविचेज आर पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया, है ना. हमारे भी सिटी में हम देखते हैं आसपास मोमो का स्टॉल होता है, मोमोज का, या कोई चाइनीज कार्ट होती है, चाइनीज वैन होती है. तो इस तरीके से ये जो फूड है जो बाहर का है इंडिया के, वो हर जगह फेमस है एज अ स्ट्रीट फूड. नाउ वी सी स्पाइसेस, जो कि खाने की है जान. अगर खाने में नमक कम हो या ज़्यादा हो तो हम खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते. सो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्पाइसेज विच आर रिक्वायर्ड इन एनी ऑफ द फूड वाइल कुकिंग इज मस्ट. इंडियन फूड इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर स्पाइसेज, तो इंडियन फूड पूरी दुनिया में सिर्फ स्पाइसेज के लिए जाना जाता है. अब इंडिया के बाहर की डिशेज हमारे इंडिया में तो अवेलेबल हैं ही, लेकिन अगर हम बाहर घूमने जाते हैं आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पर मिलता है इंडियन फूड. सो सम इंडियन स्पाइसेस लाइक टर्मरिक, कार्डमम, क्यूमन सीड्स, क्लॉव, फेनुग्रीक, पेपर, सिनामिन, जिंजर, गार्लिक, ये सारे मसाले जो कि यूज होते हैं इंडियन फूड में, दे ऑल आर वेरी फेमस. यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल, दी स्पाइसेस मेक फूड टेस्टी. ये स्पाइसेस फूड को बनाते हैं काफ़ी टेस्टी, फ्लेवर ऐड करते हैं खाने में, कलर ऐड करते हैं. यू कैन सी अगर हल्दी डालते हैं तो सब्जी पीली हो जाती है, नहीं डालते तो वैसे ही जो उसका पिंकिश ऑरेंज कलर है वो रहता है. गरम मसाला काफ़ी पॉपुलर है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल अदर स्पाइसेस. इट कंसिस्ट ऑफ फाइव और मोर ड्राई स्पाइसेस लाइक कार्डमम, सिनेमन एंड क्लोव. ये सारे मसाले से बनता है गरम मसाला ग्रेवी सब्जी में, जो हम ऊपर से गार्निश करती है हमारी मदर. नाउ चैप्टर इज एंडेड, टाइम फॉर रिकैप्चुलेशन. वी ऑल नीड फूड टू स्टे अलाइव, हमें अब जिंदा रहने के लिए चाहिए फूड. फूड गिव्स अस एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, फूड हमें देता है एनर्जी, हमें स्ट्रेंथ देता है. पीपल लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. We get our food from plants and animals. People mainly eat wheat in North India, और South India में rice खाते हैं, East India में fish वगैरह खाते हैं, जैसे कि West Bengal, Odisha और Assam में. और खाने में Indian food में use होता है mainly अलग अलग तरह के spices. So we have done time for assessment. A part, tick on the correct option. Wheat, jowar, bajra are pulses, cereals or roots. Of course, they are cereals. एनर्जी गिविंग फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या फिर विटामिन्स. यस, कार्बोहाइड्रेट. अ साउथ इंडियन डिश पुलाव, थेपला या डोसा. ऑफकोर्स सांभर डोसा, एवरीबडी लाइक्स. स्पाइस यूज इन इंडियन फूड, टर्मरिक. यस, कार्डमम. यस, सो सी इज द राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी. व्हाट आर यूज इन इंडियन कुकिंग, घी. ऑफकोर्स ऑयल. यस, सो बोथ ए एंड बी. नाउ ट्रू एंड फॉल्स, अनियंस एंड पोटेटोज आर स्टेम्स. ट्रू. Wheat and rice are pulses. False. Fruits and vegetables are protective foods. Yes. Kheer is the popular sweet dish in India. Yes. So, the last is cardamom. Cardamom spice hai? Yes.
So this is also true. Now fill in the blanks. We eat the dash of radish and turnip. क्या खाते हम? Roots. Now beans and peas are the dash of pod bearing plants. क्या थे वो उसकी? Yes, seeds. Cheese is a dash product. Milk product, क्योंकि हमें milk से मिलता है. Now come to next page. Wheat is a staple diet in the dash state of India. Northern states. North of India. People who eat only food from plants are called vegetarians. Now match the following turmeric and cardamom. क्या हैं ये? Pulses, roots, spices, milk product या stem? They are spices. Onion and potato. They are the stem wheat. Cheese and paneer are the milk products. Carrot and turnip are the roots. Peas and beans are the pulses. So we have done with the matching. Time for enrichment activity. Request your elders to finely chop some beetroot, cabbage, cucumber, carrot, tomato, capsicum. You can see the salad there. Now we have to add a chopped cheese cube, sprinkle lemon juice and some salt. Mix well and enjoy your salad. So this is a very good activity you can do in your leisure time in the evening with your snack time. Now you have to take those food items that you eat raw, जो आप कच्ची भी खा सकते हैं, and cross that you only need to be cooked before eating. So carrots, yeah, we can eat raw. Dal, no. Aloo, no. Brinjal also no. Watermelon is a fruit, we can eat it as a raw. Ladyfinger, we need to cook it. Cucumber, as a salad we eat, so we can eat it raw. So class, we have done with the chapter. Meet you in the next class with the next chapter of the same unit. Till then, stay tuned.